नमस्कार दोस्तों, हम सभी कभी न कभी अपने मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड को तो चेक किया ही होगा। चलिए आज हम स्पीड टेस्ट करते हैं अपने इंटरनेट की, कितनी स्पीड आ रही है, ठीक है, और उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये हमने अपने मोबाइल में स्पीड टेस्ट खोल लिया है और मेरे मोबाइल में जो सिम पड़ा है वो जियो का पड़ा है, ठीक है। तो हम स्पीड टेस्ट खोलने के बाद इस पर गो करते हैं। जैसे ही गो करेंगे ये हमारा मोबाइल का जो सिम है या ये हमारा मोबाइल का जो सर्विस प्रोवाइडर है सबसे पास की जो सर्वर को सर्च कर रहा है। अभी सबसे पास का जो सर्वर होगा उसे सर्च करेगा और अभी इस समय सर्च करने के बाद ये स्पीड दिखा रहा है कितनी आ रही है सबसे पास के सर्वर से, रिलायंस का सबसे पास का सर्वर से कितनी स्पीड आ रही है। ये लखनऊ के जियो का सर्वर है सबसे पास का, रिलायंस जियो CPH 2179 सबसे पास का सर्वर है। अब देखिए इसमें स्पीड टेस्ट हमने किया है तो डाउनलोडिंग स्पीड 32.4 आ रही है और अपलोडिंग आ रही 15.9। पिंग देखिए 29 MS की आ रही है और जिटर आ रही 11 MS की। तो हम लोगों ने स्पीड टेस्ट तो बहुत बार किया मगर हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की है कि ये पिंग क्या होता है और ये जिटर क्या होता है, ठीक है, ये डाउनलोडिंग स्पीड क्या होती है, अपलोडिंग स्पीड क्या होती है, ठीक। तो इस विषय पे हम आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो पे। नमस्कार, मेरा नाम है इरशाद और आज हमने स्पीड टेस्ट किया और उसमें कई सारे ऑप्शंस हमको मिले, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, पिंग, जिटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये पिंग क्या होती है। पिंग साधारण भाषा में बोले तो कम्युनिकेशन गैप, दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन गैप को ही पिंग कहते हैं। जैसे मेरा मोबाइल था, मैंने मोबाइल से अपने इंटरनेट की स्पीड चेक की तो हमारे मोबाइल से हमारे जो मोबाइल के सबसे पास का जो सर्वर था, जियो का सबसे पास का जो सर्वर लगा हुआ था, उसके बीच में कितना कम्युनिकेशन गैप है उसको पिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे आपको समझाते हैं, मैं खड़ा हूँ नीचे और मेरा दोस्त खड़ा है दूसरे माले पे। मैंने अपने दोस्त से बोला हाय, वो एक सेकंड के बाद सुनता है और एक सेकंड के बाद उसने जवाब दिया हेलो। तो एक सेकंड के बाद उसका जवाब आया और मैंने एक सेकंड पहले बोला, टोटल समय लगा 2 सेकंड। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है 2 सेकंड लगा हमारे दोस्त से रिप्लाई आने तक का, तो इसी गैप को ही हम पिंग कहते हैं। उसके बाद जो अगला हमने बात देखा था अपने मोबाइल में जिटर। जिटर को बताने से पहले बता दें कि अगर हमारे मोबाइल या हमारे पीसी पे पिंग जितना ही कम आएगा उतना ही अच्छा कम्युनिकेशन हमारे मोबाइल या पीसी से हमारे सर्वर के बीच होगा, और जितना कम्युनिकेशन अच्छा होगा, हम अगर चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहे, हमारा इंटरनेट अच्छा चले, तो पिंग जितना कम आएगा हमारे लिए उतना ही बेहतर है। अब हम बात करते हैं जिटर के बारे में। तो पिंग जिस रफ्तार से चेंज हो रहा होता है उस चेंजेस रफ्तार को ही कहते हैं जिटर। जैसे मान लीजिए पिंग हमारी चेंज हो रही है, कभी 2 सेकंड पे चेंज हो रही है, 2 सेकंड चेंज हो रही है, कभी 10 सेकंड पे चेंज हो रही है। मान लीजिए कहीं पानी बरसा तो पिंग जो जिटर आया वो 4 सेकंड पे चेंज हुआ, 20 सेकंड पे चेंज हुआ। तो जिस गति से हमारा पिंग चेंज होगा उसकी रफ्तार को ही हम जिटर कहते हैं। अब अगली चीज़ आती है डाउनलोडिंग। हमने डाउनलोडिंग भी करके दिखाई थी, डाउनलोडिंग हमारा 32 MBPS आया था और 15 MBPS डाउनलोडिंग स्पीड आई थी, 15 MBPS सॉरी अपलोडिंग। तो डाउनलोडिंग क्या होती है, डाउनलोडिंग का मतलब जैसे मान लीजिए कुछ डेटा हमारे सर्वर से हमारे मोबाइल पे जो डेटा जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे सर्वर को पता है कि हमारे मोबाइल पे 40 MBPS का डेटा जा रहा है, ठीक है, तो सर्वर से हमारे मोबाइल तक का जो जाने में जो जितना डेटा को समय लगता है, ठीक है, वो हमारा होता है डाउनलोडिंग स्पीड। और अपलोडिंग स्पीड क्या होती है, हमारे मोबाइल से जब भी हम कोई डेटा अपलोड करते हैं सर्वर की तरफ, सर्वर को भेजते हैं, तो जितना समय लगता है वो हमारा होता है अपलोडिंग स्पीड। अब हम एग्जांपल तौर पर समझा देते हैं कि डाउनलोडिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे सर्वर ने हमें कुछ डेटा भेजा, 40 MBPS का डेटा भेजा, तो उसको उस 40 MBPS को डेटा को डाउनलोड करने में समय लगा हमें 4 सेकंड। तो अब
चार सेकेंड समय लगा और डाउनलोड किया हमने, ठीक है, तो जिस गति से आया, जैसे मान लीजिए 40 Mbps का डेटा उसने भेजा और 4 सेकेंड में हमने डाउनलोड कर लिया, तो डेटा पता है और समय हमको पता चल गया डाउनलोड करने में 4 सेकेंड लगा, तो हम इस तरीके से उस डेटा की स्पीड का पता लगा लेंगे। तो हमारी स्पीड कितनी आएगी, 10 Mbps डिवाइडेड बाई 10। तो सेम तरीका है हमारी अपलोडिंग का भी। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था चाल बट्टे दूरी बट्टे समय, अगर हमें डेटा का अमाउंट पता है और समय पता है कितना समय डाउनलोडिंग में लग रहा है, तो हम उस डाउनलोडिंग की स्पीड का पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा पिंग के बारे में, जिटर के बारे में, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, पिंग क्या होता है। पिंग होता है कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन का जो गैप होता है वो कहलाता है पिंग। दो डिवाइसों के बीच का कम्युनिकेशन गैप पिंग कहलाता है। जिटर, जिस तरीके से पिंग की रफ्तार चेंज होती है वो जिटर होती है। डाउनलोडिंग स्पीड, सर्वर से हमारे मोबाइल तक या हमारे डिवाइस तक डेटा को जाने में जितना समय लगता है वो हमारी डाउनलोडिंग होती है, और मोबाइल से सर्वर तक का जो डेटा को जाने में समय लगता है वो हमारी अपलोडिंग स्पीड होती है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।